हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एग्लो इंग्लिश स्कूल टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट ओके सो नाउ सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सी ये है आपका प्रैक्टिस सेट वन इसमें आपको क्वेश्चन वन क्या कहा है बच्चों देखो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं आपको भी आपकी नोटबुक में इसे सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ गिवन बिलो एंड डियर परपेंडिकुलर बायसेक्टर यानी कि आपको यहाँ परपेंडिकुलर बायसेक्टर को ड्रा करना है मैं इसमें से आपको एक सॉल्व करके देने वाली हूँ बाकी के आपको सॉल्व करने चलो मैं कौन सा लेती हूँ ज़्यादा वाले लेंथ का लेती हूँ सेकेंड सिक्स पॉइंट सेवन सेंटीमी ये है मेरी स्केल इसमें मैं कितना डिस्टेंस लेने वाली हूँ सिक्स पॉइंट सेवन यानी कि ए सिक्स और इसके आगे सेवन लाइंस तो मैंने इसे ड्रॉ किया लाइन में ये है हमारे लाइन सेगमेंट तो मैं इसे नाम देती हूँ ए एंड बी अभी हमें क्या करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना होगा कि मेरी जो कंपास है उसमें पेंसिल को फिट करके रखना है ओके अभी हम क्या करेंगे कि मेरी जो कंपास है वो ए पॉइंट पर रखेंगे और ज़्यादा मीन्स जो इसके दो पार्ट होंगे उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस इसमें लेती हूँ मैं कंपास में ओके तो मैं ए पॉइंट पर रखकर यहाँ आर्क निकालती हूँ सेम मैं नीचे भी ऊपर और नीचे सेम इसमें से जो मैंने डिस्टेंस लिया है वो मैं चेंज नहीं करने वाली अभी बी पॉइंट पर रखती हूँ और देखो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ठीक है नहीं तो अभी ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है तो मैं मेरी स्केल का यूज करके दोनों में से जो लाइन पास होने वाली है वो मैं क्या करती हूँ निकालती हूँ है कि नहीं हो रही कि नहीं लाइन पास तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर बाय सेक्टर क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय सेक्टर और ये जो लेंथ है ए टू बी ये कितनी है बच्चों सिक्स पॉइंट सेवन सेंटीमीटर okay? ओके यानी कि जो आपका लाइन सेगमेंट है उसके दो, दो सेम पार्ट हो गए ओके नाउ अवर सेकेंड अभी आपको क्या करना है फाइव पॉइंट थ्री और थ्री पॉइंट एट का आपको ड्रा करना है चलेगा ना तो नेक्स्ट है ड्रा एंगल ऑफ द मेजर इज गिवन बिलो एंड ड्रा दियर बाय आपको क्या करना है ये जो मेजर दिए हैं उनको ड्रा करके आपको क्या करने हैं एंगल बाई ड्रा करने उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों फर्स्ट कि आपको आ, आपके जो भी जोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज करना है फर्स्टली मुझे रे ड्रॉ करना होगा तो मैं पहले क्या करती हूँ रे ड्रॉ करती हूँ चलेगा ये रहा मेरा रे अभी इसमें मैं यहाँ पॉइंट देती हूँ ए और इसे कहती हूँ बी अभी मैं इन दोनों में से कौन सा सॉल्व करूँ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नाइन्टी डिग्री करूँ ओके तो ये है मेरा एंगल मेजर करने के लिए ये है ओके okay? तो मैं इसके यूज़ से एंगल मेजर करती हूँ ओके okay. ये बेस लाइन पर टच हो रहा है राइट यहाँ से हम मेजर करेंगे नाइन्टी यानी कि यहाँ है तो मैं क्या करूँगी यहाँ मार्क करती हूँ ओके देन हम क्या करेंगे ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे यहाँ मैंने पॉइंट दिया सपोज सी पॉइंट लिया ओके okay. देन ए पॉइंट पर हमारे कंपास को रखेंगे और आर्क एक क्या करेंगे इसमें से डिस्टेंस लेंगे और यहाँ आर्क दोनों साइड में से ड्रॉ करेंगे या इससे क्या होगा जो सी ए और ये ए बी है ना रेज उनके उनको क्या करेंगे ये आ, ब्रेक करेगी ओके तो देखो मैं इसे पॉइंट कंसीडर करती हूँ पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू अभी मैंने ये जो डिस्टेंस है उसे चेंज नहीं किया सेम डिस्टेंस कंपास में रखा है तो अभी मैं पी पॉइंट पर रख कर ये जो मैंने आर्क निकाली है उसके अंदर क्या करूँगी फिर से देखो इसी तरह हम करेंगे तो क्या हुआ ये दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया अभी मुझे क्या करना है ये जो इंटरसेक्ट है इसे मैंने ओ पॉइंट नाम दिया अब ए पॉइंट से उससे क्या करना है ड्रॉ करना है पास होने वाली लाइन को मुझे ड्रॉ करना है ये हो गया हमारा एंगल बाई सेक्टर यहाँ मैंने एंगल कौन सा है यहाँ सी ए बी कितना लिया है बच्चों नाइन्टी डिग्री आप देख सकते हो अगर मैं मेजर करूँ तो ये कितना है फोर्टी फाइव मीन्स रिमेनिंग फोर्टी फाइव हो गए ना दो आ, सेम पार्ट और हम ये जो डिवाइडर है इससे भी मेजर कर सकते हैं देखो मैंने यहाँ जो डिवाइडर है इसे रख रह, यहाँ रखा है या ये जो जि, जितना डिस्टेंस है वो इतना है मीन्स हमने जो एंगल वाई सेक्टर ड्रॉ किया है हु? तो एकदम ही क्या है सही है ओके मीन्स हमने जो भी ड्रॉ किया है उसमें कोई गलती नहीं हुई है हमसे ओके तो मैंने इसमें कौन कौन से ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं कंपास को यूज़ किया देन ये डिवाइडर का यूज़ किया रूलर और आप इसे स्केल भी कह सकते हो और ये प्रोटोरेक्टर ये प्रोटोरेक्टर का बहुत ही यूज़फुल है यानी कि इस इससे हमने क्या किया एंगल मेजर किया ओके अभी जो रिमेनिंग्स टू क्वेश्चन है बच्चों इन्हें क्या करना है आपको सॉल्व करना है मैंने नाइन्टी डिग्री का सॉल्व किया है अभी आपको बचे हुए दोनों को क्या करना है सॉल्व करना है नाउ नाउ अभी इससे हमें ये पता चल गया कि हम लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ कर सकते एंगल मेजर कैसे कर सकते हैं ओके okay? अभी हम रिमेनिंग थ्री एंड फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे अभी तक आपको क्या करना है जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है ओके okay, बच्चों